वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर साहिल का ज्ञान, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और अगेन हम आ गए हैं स्विच गेमिंग बेस्ट क्वेश्चन को लेकर। इस बार वीडियो को मेक श्योर आप लाइक करेंगे और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि आपके कहने पे मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, तो आपको फुल सपोर्ट करना है मुझे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से गिवन होगा, आई एम सो सॉरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से गिवन होगा, जिसके अंदर आपको ऊपर ये दिया हुआ होगा और नीचे आपको ये चीज़ दी हुई होगी। इसमें आपको सिंपली कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। इनको नंबरिंग दो आप सबसे पहले 1, 2, 3, 4। अब आपको बताना है कि ये आउटपुट चाहिए हमें, ये क्या है, नीचे वाला आउटपुट है, ठीक है। तो ये आउटपुट चाहिए, तो ये देखो ये कितने नंबर पर है, ये है अपना 1 नंबर पे। ट्रायंगल कितने नंबर पे, 2nd नंबर पे। सर्किल 3rd नंबर पे, ये 4th नंबर पे। तो ऐसा कौन सा है जिसका आंसर 1, 2, 3, 4 आ रहा है, तो उसका आंसर ये है 1, 2, 3, 4। तो आपका ये करेक्ट हो जाता है। तो आपको सिंपली नंबरिंग के थ्रू इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से और समझते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको सिंपली इनको नंबरिंग करनी है, तो देखो 1, 2, 3, 4। अब देखो सर्किल है सबसे पहले, तो सर्किल का नंबर क्या निकला, 4। ट्रायंगल, ट्रायंगल का नंबर क्या निकला, 1। तो अब तक अपन को क्या मिल चुका है, 4, 1। तो 4, 1 से तो यही स्टार्ट हो रहा है, केवल ये 4, 2 से हो रहा है, ये 4, 3 से हो रहा है, तो 4, 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो आपका आंसर ये हो गया। अब आपको ऐसा नहीं कि पूरा पूरा निकालना है, केवल स्टार्टिंग के 2 निकाल लो, आपको आंसर मोस्ट ऑफ का आंसर मिल जाता है। तो आपको फटाफट क्वेश्चन करने, गेमिंग के ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है पूरा निकालने में, वहाँ पर कोई थ्योरी पेपर नहीं है, वहाँ टिक करो नेक्स्ट, टिक करो नेक्स्ट। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। ये 3rd क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, खुद करो। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसमें आपको नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 का 1 पे क्रॉस कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो ऐसी कौन सी है जो 1, 6 से स्टार्ट हो रहा है, यही वाला ऑप्शन 1, 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो अपना आंसर यही होगा। पूरा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पॉज करो, खुद करो। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस बार माइनस कितने नंबर पे, 5 पर। क्या कोई 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 6 से हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, तो 5 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये आंसर हो गया आपका 5, 3, 4, 2, 1, 6। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका सबसे बिगनर लेवल होता है। अब जैसे जैसे आप आंसर सही करते जाओगे तो आपका लेवल अपडेट होता जाएगा गेमिंग के अंदर, और आपको टफ से टफ क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि बीच में इसके अंदर क्या आ गया, देखो ये चीज़ आ गई, तो इसका क्या अर्थ है वो भी समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर ये 1, 2, 3, 4 है, अपन को ये तो पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर पे कौन है ये बताओ, सर्किल है अपना, ठीक है। 2nd नंबर पे अपना ट्रायंगल है सर, और अपना 1st नंबर पे अपना रेक्टेंगल है, और 4th नंबर पे अपना प्लस है। अब इनको नंबरिंग दो दोबारा से, 1, 2, 3, 4। अब देखो आपका प्लस कहाँ पे है, अब इस वाली लाइन को देखना अपन को, 4th नंबर पे सर। मेरा ये रेक्टेंगल कहाँ पर है, 3rd नंबर पे है सर, ठीक है। मेरा ट्रायंगल कितने नंबर पे सर, 2nd नंबर पे, और ये हो गया आपका 1st नंबर पे। तो क्या आंसर आया बताओ, ये आ गया आपका 4, 3, 2, 1। तो ये आपका आंसर, आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, क्या बता दूँ, चलो देख लो फिर यार, तुम भी क्या याद रखोगे, बोल गया यार सर ने हमें शॉर्ट ट्रिक बता दी। तो देखो आपको पता है इनका 1, 2, 3, 4 होता है, तो सिंपली आपको ये नंबर देखना है। इसके अंदर क्या करना है आपको, सिंपली सबसे 1st नंबर वाला पकड़ो, 3 नंबर। तो ये देखो यहाँ पे 3 पर कौन सा है, ये, तो इसकी इसकी पोजीशन क्या है, एक्चुअली में 1। अब आपको देखना है कि सर्किल इनमें से कहाँ पर है, सर्किल है हमारा सर यहाँ पे है 4th पर, और इसका वैल्यू है 1। तो इनमें से तीनों में से लास्ट में 1 किस में आ रहा है, केवल इसी में आ रहा है लास्ट में 1। देखो ना 4, 3, 2, 1 में लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, उल्टा शुरू करके, क्वेश्चन को उल्टा करके पहले देख लेना कि लास्ट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि स्टार्टिंग में सब में 4, 4 आ रहा है, तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा अगर अपन वो वाला सिंपल मेथड यूज करें। बट अगर अपन उल्टा शुरू कर दे प्रोसेस, तो आंसर विल बी समथिंग एल्स, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को पॉज करो, डू इट योर सेल्फ। सो सी गाइज, अगेन अपन करते हैं, 2 पर कौन है, सर्किल, 3 पे कौन है, प्लस, 1 पे कौन है, स्क्वायर, और 4th पे कौन है, रेक्टेंगल। अब देखो स्टार्टिंग में करने का फायदा है, क्योंकि सबके डिजिट अलग अलग आ रहे हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। तो प्लस कितने नंबर पे है सर, इसमें 2nd नंबर पे। आँख बंद करके 2, 4, 3, 1 आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, सो डू इट योर सेल्फ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताओगे, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पोस्ट कर लो, और कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना, और कमेंट को डिलीट मत करना पिछली बार की तरह, ठीक है, ये काम मत करो गाइस, है ना, ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़े, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये अपन करते हैं, ठीक है। वही अगेन आपको यहाँ देखना है,
ये कितने नंबर पे है, फाइव, सॉरी 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6, 6 को आपने फर्स्ट बना दिया है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, यानी कि फिफ्थ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड दोबारा करते हैं। ठीक है, फाइव नंबर पे कौन सा है, माइनस, और थर्ड नंबर पे कौन सा है आपका, स्क्वायर। बस ये दो दो ही चीज पकड़ लो आप, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा। अब देखो माइनस कहाँ पे अपना है, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है इन दोनों में जिसके लास्ट में 21 आ रहा है, 21 सर इसी में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये 6 5 4 3 2 1 हो गया। इस तरह से दिमाग लगाओगे तो काम जल्दी होगा, क्वेश्चन भी फास्ट होगा। आपको लास्ट शुरू कर देना अगर आपको लगे कि यार टफ होगा, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये अगेन अगेन एग्जीक्यूशन आ गया आपका, ये देखो यहाँ पर आपको पता चल गया प्लस, ठीक है, देन आपका ये एंड ये। अब देख लो ये कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, 1 इसी में आ रहा है लास्ट में, तो आंसर ये हो गया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें डबल है, तो अब डबल है, ये टाइप 2 के क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इनको, क्योंकि इसमें डबल आता है, तो इसको अपन एक बार लिख लेते हैं गाइस, ताकि आपको भी याद रहे। ये है आपके टाइप 2 के क्वेश्चन, ठीक है, वो अब तक जो पढ़ रहे थे वो टाइप 1 था, इसमें कैसे करना है वो भी बताता हूँ आपको। अब मैंने इसको टाइप 2 क्यों बोला है, क्योंकि अपन जो अब तक प्रोसेस करते आ रहे थे उसको बस दो बार रिपीट करना है। अब ये कैसे करना है, देखो आपको ऊपर पता है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 है, आपको माइंड में होनी चाहिए। अब 1 पर कौन है, ये, 4th पे कौन है, प्लस, सेकंड पे कौन है, ट्राइंगल, अब ये कौन है, थर्ड पर कौन है, सर्किल। अब इनको दोबारा फर्दर नंबरिंग दो, 1 2 3 4। अब इसके लिए जब बनाओगे ना, तो इस चीज को देख के बनाना, इसको मत देखना, ठीक है। अब सेकंड पे कौन है, प्लस, थर्ड पे कौन है, ट्राइंगल, और आपका फोर्थ पर है सर्किल, और 1 पे कौन है, स्क्वायर। इसको देख के बनाया मैंने, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये आपका फाइनल है, अब इस फाइनल को देख के आपको क्या करना है, ये इंप्लीमेंट करना है। अब ये देखो ये कितने पे है, इसमें सेकंड नंबर पे, ये कितने पर है, थर्ड नंबर पे, ये कितने पे है, फोर्थ नंबर पे, और प्लस है आपका 1 नंबर पे। तो क्या आपके आंसर में आ रहा है कि कहीं पे 2 3 4 1, बिल्कुल आ रहा है गाइस, ये रहा। तो जस्ट आपको दो बार रिपीट करनी है चीज, और कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर। दैट्स सो इजी गाइस। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा यार आपको मैं, क्रिस्टल क्लियर करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। दोबारा देख लो, 1 2 3 4 आपके माइंड में ही है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको सेट करना है। तो देखो यहाँ क्या किया गया है, सिंपली आपका यहाँ पर आ गया, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन, ठीक है, 1 4 2 3 के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 4, 4 के लिए प्लस, देन ट्राइंगल, देन सर्किल। अब इसको नंबरिंग दे दो दोबारा, 1 2 3 4, ठीक है, ये 3 है आपका, ठीक है। अब इसके इसके लिए इसके कोरस्पॉन्ड करो आप, तो इसके कोरस्पॉन्ड आपका गया प्लस, ट्राइंगल, सर्किल, स्क्वायर। अब ये आपका फाइनल, ठीक है, इसके थ्रू अब आउटपुट को चेक करो आप। तो ट्राइंगल की वैल्यू इसमें कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, और सर्किल 3 नंबर पे, ये 1, ये 4, तो देखो इनकी वैल्यू क्या आ गई, 2 3 4 1। तो ये चीज मैं बता रहा था गाइस, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सिमिलर क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, डू इट योर सेल्फ। सो सी गाइस, इसके थ्रू अगर अपन इसकी वैल्यू निकाले, तो थर्ड नंबर पे सर्किल प्लस ट्राइंगल, ये आपका, अब इसको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4। अब अपन इसके लिए निकालेंगे, तो इस वैल्यू को देखना केवल, ठीक है, इसको मत देखो। अब देखो फोर्थ नंबर पे कौन है अपना, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्किल, प्लस। अब इसके कोरस्पोंड इसका आउटपुट निकलेगा, ठीक है, तो ट्रायंगल अपना इसमें है 2 नंबर पे, याद रखो 2 नंबर पे, सर्किल अपना 3 नंबर पे, अपना स्क्वायर 1 नंबर पे, और अपना प्लस 4 नंबर पे। आया समझ में गाइस, नहीं आया, आई थिंक आ गया होगा यार, ठीक है। तो आपको केवल इसको भूल जाना है, इसको निकालते टाइम। अब ये देखो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, थोड़ा माइंड का खेल है आपको, बस हो सकता है तो मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा। अभी फिलहाल अपन वही सिंपल मेथड से करेंगे सब चीज़ें। तो यहाँ 5 पर कौन है, माइनस, सर्किल, 4 पे प्लस, देन ट्राइंगल, देन स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई। अब ये 1 2 3 4 5 अपने लिए, और 1 2 3 4 5 6 ही दे रखा है, तो ऑलरेडी ये इसी फॉर्म में, तो अपन को बदलने की जरूरत है क्या इसको, नहीं। ये आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिलती है। अब आपको सिंपली देखना है क्रॉस कितने नंबर पे है। सर हमारा क्रॉस है 6 नंबर पे, हमारा स्क्वायर कितने नंबर पे गाइज, हमारा 5 नंबर पे। अब यहाँ देखोगे यार, ये 6 5 4 तीनों स्टार्टिंग में कॉमन आ रहे हैं, बट लास्ट की डिजिट देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3rd है, तो आपको देखना है लास्ट में आखिर है क्या। लास्ट में है माइनस, और माइनस की वैल्यू 1st है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आंसर 6 5 4 3 2 1 है। यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अगर ऐसा लगे ना कि ये स्टार्टिंग के 3 निकालने पड़ेंगे, इनको 3 निकालने से आप लास्ट का 1 निकाल लो ना यार, क्योंकि तीनों ही डिजिट अलग है लास्ट की, तो आपका टाइम सेव हो रहा है ना वहाँ पे। तो इस तरह से लॉजिक बिठाओ अपने माइंड में, ताकि आपके क्वेश्चन करने की एक्यूरेसी बढ़ सके। पॉज दी वीडियो, डू इट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 13। देखो गाइस, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है,
ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरे को कि सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ केवल उन्हीं को दूंगा जो कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का बताएंगे, तो मैं उनको दूंगा पीडीएफ पर्सनली, ठीक है, मेल के थ्रू दूंगा, डोंट वरी। तो उनको पूरी पीडीएफ मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। ओके, तो आप थोड़ा होमवर्क भी करो यार, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। तो इसका आंसर मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये वाला अपन करते हैं। अब आप बोलोगे सर आप छोटा क्वेश्चन ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है, इसमें एक थोड़ा लॉजिक बताऊंगा मैं, वो देखो आप लॉजिक क्या है। 3, 4, 2, 1, 5 के अकॉर्डिंग इसको सेट करो, प्लस आ गया, माइनस आ गया, ट्राइंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, सर्किल आ गया। इसके अकॉर्डिंग अब देखो फोर नंबर पे कौन है, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्किल, प्लस, माइनस, इसको देखा अपन ने और इसके कोरस्पॉन्ड निकाल लिया। तो अब अपना फाइनल कौन सा है, ये वाला है। माइनस कितने नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे है, ठीक है। देन अपना सर्किल सेकंड नंबर पे, तो 5, 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो 5, 2 से केवल ये तो स्टार्ट हो रहा है, तो आपका आंसर हो गया 5, 2, 1, 3, 4, दिस इज योर आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी कर लेते भाई आपकी प्रैक्टिस। वीडियो को पॉज करो, यहीं पे कर लो एंड टू एंड, बाकी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाई है मैंने कि आपको पूरे इंटरनेट पे घूम जाना, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट, और आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हमारे चैनल के थ्रू ही होती है। तो मेक श्योर चैनल को यार आप सब्सक्राइब कर ही लो आज, कर दो यार, और अपने फ्रेंड से भी करवाई दो, करवा देना, थैंक यू। तो देखो यहाँ पे 1, 5 करना है, तो ये देखो आपका ये आ गया 5 पर, ये आ गया प्लस, आ गया ट्राइंगल, आ गया एंड आपका माइनस आ गया, इसके अकॉर्डिंग बना लिया। अब इसमें देखो इसके अकॉर्डिंग अपन को इसके थ्रू इसको देखना है, देखो इसको देखना है अपन को। 1 पे कौन है, स्क्वायर, 2 पे सर्किल, 4 पे ट्राइंगल, 3rd पे प्लस एंड 5th पे माइनस। अब आप लास्ट में देखो या फर्स्ट में देखो, तो देखो फर्स्ट डिजिट इन सबकी अलग अलग आ रही है, तो फर्स्ट के साथ खेलेंगे, तो माइनस कितने नंबर पे ये बता दो मुझे, तो 5th नंबर पे, ये रहा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओ माय गॉड, इसको मैं बोलूंगा गाइस टाइप 3, ये क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ दिख रही है कि सर इस बार ऊपर नहीं है नीचे है। अब भैया आपको दिमाग में एक चीज़ आई होगी, आपके दिमाग का बल्ब है वो जला होगा, लट्टू जला होगा, और बोल रहा है कि सर अगर ये नीचे से है तो अपन नीचे से स्टार्ट करेंगे क्या। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने सही सोचा, इसको अपन डाउन टू अप में जाएंगे और आंसर निकाल के जाएंगे। यस, यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे होने वाला है। तो अपन नीचे से ऊपर लेके आएंगे इस चीज़ को, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो आपका नीचे वाला है ना उसका वैल्यू ये है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको उसी कोरस्पॉन्ड में करना है, तो आपको सिंपली बताना है ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अब इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, क्योंकि अपन जब भी क्वेश्चन करते हैं तो ऊपर वाले में चेक करते थे ना कि वो 1, 2, 3, 4 होता है स्टार्टिंग, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर निकालते हैं। बट ये तो उल्टा है, हो सकता है कुछ और होगा अगली टाइम में, बट अपन को इस ऑर्डर में रखना है हमेशा 1, 2, 3, 4 में। तो अपन क्या करने वाले हैं एक्चुअली, ये कितना है, 4 है, 3 है, ये 2 है, ये 1 है, इनको 1, 2, 3, 4 में जमाओ। तो ये आ गया फर्स्ट पे, सेकेंड पे, थर्ड पे एंड फोर्थ पे, ये चीज़ क्लियर है नहीं, ये बताओ। अब आपको ये चीज़ देखनी है और ये चीज़ देखनी है, उल्टा सोच के देखना, ये नंबर कहाँ पर है, इसका नंबर कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे, ये कहाँ पे है, थर्ड नंबर पे, ये कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे, ये कहाँ पे है, फोर्थ नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे सर्किल, देन आपका ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, फिर ट्राइंगल, फिर आपका प्लस। तो क्या आपका आंसर 2, 3, 1, 4 नहीं आ रहा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यही अप्रोच यूज करनी है और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू गिवन होगी, तो ये वैल्यू इनकी है, ठीक है। अब इन वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ये 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 एंड ये मिला मुझे। अब मुझे देखना है इसकी पोजिशन इनमें कितनी है, इनकी पोजिशन में देखना है आपको। ये 1, 2, 3, 4 होता ही है, तो इसकी पोजिशन सर 2 पर है, इसकी 3 पर है सर, इसकी 1 पर और इसकी 4 पर। तो क्या आपका आंसर 2, 3, 1, 4 नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर यहाँ पे मिल गया। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छा क्लियर होगा। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, अब आपको पता है इसकी वैल्यू 2, 1, 3, 4 है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया एंड ये आ गया। अब मुझे ये बताओ आप कि ट्राइंगल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है सर, सर्किल की 2 है सर, रेक्टेंगल की 3 है और इसकी 4 है। तो 1, 2, 3, 4 ये तो क्योंकि यही वैल्यू डिट्टो यहाँ पर है यार, इसलिए 1, 2, 3, 4 इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो, वैल्यू देखकर भी आप कर सकते हो काम, ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 18, अब इसमें डबल है, तो डबल में भी अपन को घबराने का नहीं है। अब डबल में इन्होंने क्या करा, सेम वैल्यू ले ली फिलहाल, तो कोई बात नहीं, और भी अच्छा आपने ली तो ठीक है। तो यहाँ पर ये इनकी वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4। तो क्या अपन को इनको असेंडिंग करने की जरूरत है क्या, ये ऑलरेडी असेंडिंग में, नहीं करेंगे। आगे चलो,
आगे भी सेम ही है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब आपको डायरेक्ट इसको इससे मैच करना है, ठीक है। तो ये प्लस कितने पर है, वन पर है, इसको देखना है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। और ट्राइंगल उसमें कहाँ पर है, फोर नंबर पर है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर कहाँ पे है, थर्ड नंबर पे है, और आपका सर्किल कहाँ पे है, फोर्थ नंबर पे, सॉरी सेकेंड नंबर पे है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1432, 1432, 1432। गाइस बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनिशियल लेवल का एकदम। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का है, आपको बस नीचे से ऊपर चलना है, और वही अप्रोच जो अपन करते आ रहे हैं डिट्टो वही करनी है, ये वाला करते हैं। इसमें वैल्यू घूमेगी, इसका वैल्यू देखो 2314, राइट। इसको असेंडिंग करो, प्लस स्क्वायर सर्किल रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसके इसके लिए आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। तो देखो टू पर कौन आएगा, स्क्वायर, वन पे क्या है, प्लस, फोर पे क्या है, रेक्टेंगल, और थ्री पे क्या है, सर्किल। अब ये है अपनी फाइनल वैल्यू और ये अपना आउटपुट है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका ये कितने नंबर पर है, स्क्वायर थ्री नंबर पे, प्लस कितने नंबर पे, वन नंबर पे, और अपना ये रेक्टेंगल फोर पे है और ये अपना टू पर है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3142। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि केवल पहली वैल्यू आपकी थ्री ही आ रही है, ठीक है। तो आप थ्री मिलते ही आप डायरेक्ट क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते थे, ऐसा कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है 1% भी। वीडियो को पॉज करें और ये वाला क्वेश्चन आप करें, जिसने किया वेल एंड गुड, और अब मैं करता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली पता ही है लास्ट की वैल्यू, ये एक्चुअली ये वैल्यू है, इसको असेंडिंग में करते हैं। तो देखो वन पर कौन आएगा, प्लस, ठीक है, आपका सेकंड पे कौन आएगा, स्क्वायर, थर्ड पे कौन आएगा, सर्किल, फोर्थ पे कौन आएगा, रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल, आई एम सो सॉरी, ट्राइंगल है ये। अब देखिए इसके कोरस्पॉन्ड करना है अब आपको, तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा, सर्किल, थर्ड नंबर पे आपका सर्किल है, वन नंबर पे कौन है, प्लस है, फोर्थ नंबर पे ट्राइंगल, और सेकेंड नंबर पे अपना रेक्टेंगल या स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखना है और इसको देखना है, ये आपका है वन टू थ्री फोर। तो आपका सर्किल कितने नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है, तो आपको इनमें देखना है सेकंड स्टार्टिंग सेकंड किस में हो रही है, फर्स्ट डिजिट सेकंड किसकी, इसी की तो है केवल। तो आपको आगे करने की ज़रूरत है क्या, करने को कर लो यार। आप देखो यहाँ पे आप आपको देखो ये प्लस कितने पे आ रहा है, आपका आ रहा है फोर्थ नंबर पे, फिर आपका ये आ रहा है वन नंबर पे, और ये आपका आ रहा है थ्री नंबर पे। आई थिंक गाइस इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है, अदरवाइज मैंने इसको क्रॉस चेक भी कराया, तो आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हो सके तो इसका आंसर 2413 है जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप पहले ऑप्शन से भी आप डायरेक्ट कर लो, हो सकता है इसका आंसर ये भी हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो गई ऑप्शन से। तो देखो आंसर तो आपका 2 से स्टार्ट हुई है ना, तो बस इतना रखना है, वहाँ पर भी आपको क्लिक करना है, आगे बढ़ना है, इतना नहीं सोचना है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आपका बढ़िया सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दोनों साइड इस बार यहाँ से भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड देखो, एक सेकेंड पेन ले लो, यहाँ से भी आपको करना पड़ेगा और यहाँ से भी आपको करना पड़ेगा। तो अपना कितना हो गया, टाइप थ्री हो गया आई थिंक। अब ये है आपका फाइनल टाइप फोर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए देखो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली जैसा कि सेम प्रोसेस अपन करते आ रहे हैं वही आप फॉलो करेंगे। ये 4231 के कोरस्पॉन्ड इसको सेट करो सबसे पहले, प्लस ये एंड आपका ये मिल गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो एक्चुअली यही तो है, पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो आप। असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ मैं इसको, देखो अब ध्यान से देखना। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आ गया आपका ये, वन पर है ये, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये राइट। अब आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, ठीक है। अब आप देखो इसका वैल्यू यहाँ कितना है, थर्ड नंबर पर, सेकेंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्थ, कौन से क्वेश्चन में आंसर आ रहा है 3214, इसी में आ रहा है केवल। तो ये आपका आंसर हो गया राइट। ये आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते थे, ये 44 आ रहा है और लास्ट डिजिट इसी में केवल 4 आ रही है। तो डायरेक्ट आगे बढ़ो, कैसे भी कर लो क्वेश्चन, आपकी इच्छा। उल्टा चलोगे देखो तो एक चीज ये है कि आपका टाइम सेव होगा और काफी सारे बच्चों से आप आगे निकल जाओगे सिंपली। तो अब इस बार दोनों अप्रोच यूज करके कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ेंगे टफ होते जाएंगे गाइस, आपको बोल रहा हूँ मैं पहले। इसको करो आप, इसके अकॉर्डिंग सेट करो। तो वन पर कौन रखोगे आप, ये थर्ड पर, सर्किल, सेकंड पे और ट्रायंगल, और फोर्थ पे आपका प्लस, ये तो बन गया। अब नीचे से ऊपर है, अब इसको आपको क्या करना है,
असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो वन कौन है अपना, ये सर्किल। सेकंड कौन है अपना, स्क्वायर। थर्ड कौन है, ट्राइंगल। फोर्थ कौन है, कौन है कौन है कौन है गाइज, अरे फोर्थ कौन है, प्लस है भाई। ठीक है, अब आपको इसको और इसको चेक करना है, तो आपको दिख रही होगी कि लास्ट की दोनों सेम ही आ रही, यानी 3-4 ही रहेगा लास्ट में। किस क्वेश्चन में 3-4 आ रहा है लास्ट में, इसमें आ रहा है, किस आंसर में, सॉरी। तो ये आपका आंसर हो गया, और आप 1 बाय 1 भी करोगे तब भी मिल जाएगा, बट 2, 1, 3, 4। तो यार आपका क्वेश्चन करने का तरीका और लेवल बढ़ गया है गाइज, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हो और काफ़ी क्वेश्चन आपको आइडिया लग गया है कैसे करना है। एक बार अपन लास्ट में ओवरव्यू भी लेंगे, कंक्लूजन भी लेंगे, ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर सको इस चीज़ों को, क्योंकि अपन एक ही वीडियो देखना है, मेरा ये टारगेट है कि आप लाइफ में एक वीडियो देखो और उसके थ्रू ही सारे क्वेश्चन कर दो वहाँ पर। तो ऐसा ही सेट बनाया मैंने ये, क्वेश्चन नंबर 23, राइट। देन क्वेश्चन नंबर अपना ये ख़त्म हो जाएगा आई थिंक, हाँ लास्ट ये। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन और कर दो एक बार फटाफट से, तो ये वाला क्वेश्चन कर देते अपन। थर्ड नंबर पे आपका सर्किल प्लस ट्राइंगल स्क्वायर, एंड आपका यहाँ पर सर्किल प्लस, ठीक है, 2-4 के। अब आपको लगता है कि आगे निकालने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, एक सेकेंड, अपन को तो ये असेंडिंग में करना है ना। माई मिस्टेक गाइज, माई मिस्टेक, आपकी नहीं है। तो देखो 1 पे कौन है, ये। 2 पर कौन है, ये वाला। 3 पे कौन है, सॉरी सॉरी गाइज यार, आई एम सॉरी, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, एक सेकेंड, अभी करते हैं अपन, है ना। 1 पे कौन है अपना, ये बंदा, ठीक है, प्लस। सेकेंड पे कौन है, ट्राइंगल। थर्ड पे कौन है अपना, स्क्वायर। फोर्थ पे कौन है, सर्किल। अब देखो आपको इसके कॉरेस्पॉन्ड देखना है, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्ड देखना है, आंसर आपको मिल जाएगा। प्लस का कितना नंबर है यहाँ पर, सेकेंड। सर और आपका ट्राइंगल का नंबर कितना है, थर्ड। तो सेकंड और थर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है। थर्ड थर्ड नंबर का कितने पर है, फोर्थ, तो फोर्थ आएगा, और आपका ये लास्ट का 1। तो आप उल्टा भी देख सकते थे इसको, कि डायरेक्टली सर्किल को देख लेते कि इसका वैल्यू इसमें कितना है, इसमें आपका 1 है, ठीक है, इसमें 1 है, तो आपका सर्किल का लास्ट में केवल इसी 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 आंसर में आपका 1 आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर मिल गया आपको। अब देखो गाइज एक चीज समझ लेते हैं अपन, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8 और क्वेश्चन नंबर 13, आपको दो क्वेश्चन दिए मैंने होमवर्क में, जो स्टूडेंट मुझे दोनों का रिप्लाई करेगा, मैं उसको एक मेल आईडी मेरे उस पर है चैनल पे, उसके थ्रू उसको पीडीएफ भेजूंगा, पक्का श्योर भेजूंगा गाइज। लेकिन आपको बताना पड़ेगा मुझको इन दोनों का आंसर क्या है, 8 और 13 का, ठीक है। एक बार अपन अब कंक्लूजन पे भी चल लेते हैं फटाफट से, ठीक है, एक सेकेंड लगेगा अपन को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन अपना सिंपली आएगा इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपने, फर्स्ट टाइप के। अब सेकंड में क्या होगा, ये वैल्यू डाल देंगे, आपको चेंजेस करनी है, ठीक है, ये कर लोगे आप। सॉरी 7 नंबर का क्वेश्चन है भाई, होमवर्क में 8th नहीं है, 7 नंबर का है, याद रखना, ठीक है, 8th नहीं है, 7 है। और आपका ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इसमें डबल डबल वाले में भी आप कर सकते हो, मैंने सिखाया अभी, ठीक है, डबल वाले भी हो जाएंगे आपसे, और नीचे से ऊपर जाना है ये भी आप कर लोगे आप, डबल आए चाहे नीचे से ऊपर फिर भी कर लोगे आप, इतना प्रैक्टिस हो गया अपना, ठीक है। और दोनों साइड आ जाए दोनों क्वेश्चनों में, तब भी आप कर सकते हो इसको, राइट। तो आई थिंक आपका हो गया, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग, थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।